हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वीडियो अपलोड करते समय आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखते होंगे, तो इन ऑप्शनों का मतलब क्या है और वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आप देखिएगा अंत तक। हम वीडियो के अंदर बताएंगे बारी बारी से सभी को कि किस किस ऑप्शन से क्या क्या होता है और किस तरीके से किस वीडियो को अपलोड करना है। बारी बारी से सारे ऑप्शन के विषय में जानेंगे कि ये ऑप्शन क्या होते हैं और इनको करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिश ऑप्शन जो होता है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करके आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैंडम जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, ये अपलोड करते ही आपका वीडियो सभी व्यूअर्स को पहुंच जाएगा, यूट्यूब सर्च में भी पहुंच जाएगा, यूट्यूब इसको रिकमेंड भी करने लगेगा। लेकिन ये तरीका मुझे नहीं लगता है कि ये तरीका सही है। पब्लिश में एक ऑप्शन खुलता है सेट एज इंस्टेंट। अब इंस्टेंट में अगर आपने सेट कर दिया है तो उस वीडियो से क्या होगा कि उस वीडियो को, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो आपने अभी बनाया और उसमें इंस्टेंट में करके मैंने शाम के 5 बजे का इंस्टेंट में डाल दिया और वो वीडियो हमारा जो है वो 15 मिनट का है, तो जो हमारा वीडियो 5 बजे जब भी पब्लिक होगा, पब्लिक होने के ठीक 15 मिनट तक जिस तरीके से आप अपने चैनल पे लाइव करते हैं उसी तरीके से आपके चैनल पे लाइव ये ठीक 5 बजे चालू हो जाएगा और 5:15 तक ये लाइव चलेगा। उस पीरियड पे एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो बेनिफिट ये है कि आपके उस वीडियो को कोई भी स्किप करके नहीं देख सकता है, यानी कि कोई भी बढ़ा के नहीं देख सकता है। और वैसे इसको आपको अगर यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि शाम के समय ज्यादातर यहाँ पे ऑडियंस होती है, तो शाम के समय आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ ढेर सारी ऑडियंस कनेक्ट हो सकती है और वो भी आपके वीडियो को फुल वाच, वो भी बिना किसी स्किप के। क्योंकि स्किप अगर चाहेगा भी सामने वाला पर्सन तो भी 5 बजे से 5:15 के बीच में अगर आपके वीडियो को देखेगा, मान लीजिए 15 मिनट का वीडियो है, तो उस वीडियो को वो चाहकर भी स्किप नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे एक नुकसान है, जैसे आपका 5 बजे वीडियो स्टार्ट होगा तो उसके पहले कुछ काम डाउन चलेगा। अगर आपका टॉपिक वाकई में दमदार है, सर्चेबल टॉपिक है या लोगों को पसंद आने वाला टॉपिक है तो वो उस काम डाउन को भी देखेंगे। अगर आपका टॉपिक कोई इतना जानदार नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, तो आपको काम डाउन में ही हो सकता है कुछ लोग छोड़ के चले जाए। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट, कोई वीडियो आपने अपलोड कर दिया उसको प्राइवेट में रख दिया, तो प्राइवेट में रखने पे आपका वीडियो कोई भी नहीं देख सकता है। मैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर प्राइवेटली। अब इस शेयर प्राइवेटली में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको एक जीमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, तो यानी कि जो भी रिसीवर है अगर उसकी आप जीमेल आईडी डाल देते हैं तो उस कंडीशन में वो रिसीवर, यानी कि जैसे कि प्राइवेट में वीडियो डालने में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो रिसीवर मेल आईडी यहां पे जो आप मेंशन कर रहे हैं, उस आईडी के अलावा अगर ये बंदा भी उठा के इस लिंक को किसी अदर पर्सन को शेयर करता है तो भी वो उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। प्राइवेट में अपलोड किया और अपलोड करने के बाद वहां पे जो मेल आईडी डाल दिया, उस मेल आईडी पे उस वीडियो का लिंक चला जाएगा और वीडियो को सिर्फ और सिर्फ उसी मेल आईडी के माध्यम से देखा जा सकता है, ना कि किसी भी मेल आईडी से। इस लिंक को जिसके भी आपने मेल पे भेजा है अगर वो किसी और को भी भेजेगा तो भी नहीं देख सकता है। कुल मिला के आप जिस भी मेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे शेयर प्राइवेटली में, वो उस आईडी पे आपका केवल वीडियो दिखेगा। मेंबर्स ओनली, पहली चीज मेंबर्स ओनली, ये ऑप्शन उन यूट्यूबर्स का खुलता है जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारा ये वीडियो चल रहा है, वीडियो के ठीक नीचे साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ठीक बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये ज्वाइन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यही होती है मेंबरशिप, और ये उन लोगों के चैनल में
एक्टिवेट होता है जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज हो चुका होता है और उन्होंने अपने चैनल पे मेंबरशिप के ऑप्शन को ओपन कर रखा हुआ होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मेंबरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए आपने ज्वाइन बटन में क्लिक किया और मैंने मंथली कुछ उसमें इनकम वगैरह सेट कर रखी है कि मंथली आप हमको इतना पेमेंट देंगे तो हम जो भी आपको मेंबर्स ओनली का वीडियो बना के देंगे वो आप वीडियो केवल हमारे जो भी लोग मेंबरशिप का वहां पे करेंगे वो लोग लेंगे। मान लीजिए कोई वीडियो आप बना रहे हैं और अपने केवल मेंबरशिप वाले पर्सन के लिए आप वो वीडियो बना रहे हैं यानी कि पेड सर्विस दे रहे हैं। ज्यादातर आज के समय में ये होता क्या है, ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस जो ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलाते हैं या ऑनलाइन किसी चीज की ट्रेनिंग देते हैं तो वो लोग स्पेशली मेंबरशिप का ऑप्शन अपने वीडियो पे लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप वो वीडियो पर्सनली मेंबर्स ओनली में ही जाकर उनको वो देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसको यूट्यूब भी रिकमेंड सबसे अधिक करता है, आपका रिकमेंड में चलेगा, सर्चिंग टाइटल में चलेगा, लेकिन आपका वीडियो कोई प्ले नहीं कर सकता जब तक मेंबरशिप नहीं लेगा। और इसी में एक ऑप्शन खुलता है मेंबर्स ओनली पब्लिकली। अब ये मेंबर्स ओनली पब्लिकली क्या है, आप कोई वीडियो मान लीजिए अपलोड करते हैं और इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं और यहां पे एक डेट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए उस वीडियो को आज मैंने अपलोड किया और एक महीने बाद की डेट मैंने यहां पे डाल दी तो एक महीने के भी अंदर जितने लोग हमारे चैनल में मेंबरशिप ले रखे हैं उतने लोगों को ये वीडियो दिखेगा और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है उन लोगों को एक महीने के अंदर ये वीडियो नहीं दिखेगा। और एक महीने के जैसे ही पार हो जाएगा तो ये वीडियो सभी लोगों को दिखने लगेगा अनलिस्टेड की। जी हाँ दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी वीडियो आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करें तो अनलिस्टेड, ये जो ऑप्शन आपको अनलिस्टेड दिख रहा है इस ऑप्शन का आप यूज करें और इस ऑप्शन से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। अनलिस्टेड वीडियो को अपलोड करने से एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मैंने कोई वीडियो अनलिस्टेड पे अपलोड की और आपके पास कोई लिंक गया, आपने उस लिंक को किसी और को सेंड किया, उसने किसी और को वो लिंक सेंड किया, हमारा वीडियो यहां पे डायरेक्ट चैनल पे विजिट करेंगे आप लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन जितने लोगों के पास वो लिंक पहुंचता जाएगा अनलिस्टेड में उन सभी लोगों को ये वीडियो दिखेगा। पहली चीज मान लीजिए कि आपने कोई पेट प्रमोशन आपके पास आया या कोई ब्रांड आई या कोई आपके पास कंपनी आई, उसने बोला कि आप अपने चैनल पे कोई एक हमारे ब्रांड का मान लीजिए कोई पेन है, आप इस पेन का आपको ऐड करना है वो भी अपने चैनल पे करना है तो आप पहले क्या करेंगे, वीडियो बना के डायरेक्ट आपको पब्लिक नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में पहले आप उनको वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाने के बाद उनको उस वीडियो का लिंक भेज देंगे, जब वो वहां से बोल देंगे कि हाँ ये वीडियो ठीक है या इसमें कुछ सुधार करना है तो आप फिर से इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये वीडियो अभी तक आपका लोगों तक पब्लिक तक नहीं पहुंचा है, आप डिलीट करके फिर से उसको एडिट करके या कुछ भी अगर सुधार करना है सुधार करने के बाद फिर से आप इस वीडियो को अपलोड करके अनलिस्टेड करके उनको लिंक भेज दीजिए, जब वो बोल दें कि हाँ आपका वीडियो पूरी तरीके से सही है आप जब पेमेंट अपना ले लें उसके बाद इसको पब्लिक कर दें। अच्छा दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अनलिस्टेड वीडियो आपने मान लीजिए अनलिस्टेड कर दिया और अनलिस्टेड करने के बाद आप इसमें थंबनेल अच्छे से लगा दीजिए जैसे कि मैं करता हूं। मैं अपने चैनल पे सभी वीडियो को अनलिस्टेड मोड पे ही अपलोड करता हूं, पहले मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूं, जब वीडियो HD क्वालिटी में हो जाती है और HD क्वालिटी के लिए आप जैसे ही वीडियो अपलोडिंग में लगाएंगे तो पहले आपका वीडियो नॉर्मल क्वालिटी में होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद वीडियो की क्वालिटी HD क्वालिटी में खुद ब खुद हो जाएगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करें अनलिस्टेड में ही अपलोड करें ताकि आप अच्छे से टैग्स लगा सकें, अच्छे से टाइटल लगा सकें, अच्छे से डिस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से भर सकें और यहां से अनलिस्टेड पे पूरा आप चेक करके इसके बाद में इसको पब्लिक कर दीजिए आप।
पब्लिक कर दें या आपके सामने जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप अगर इनमें से कोई ऑप्शन को उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जैसा कि मैं करता हूं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।